आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एम्फीबियन क्लास को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एम्फीबियंस में एम्फी जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है आपका बोथ। एम्फी का मतलब होता है बोथ। कहीं पे भी आपको एम्फी वर्ड्स मिले, जैसे एम्फी बोलिक की बात करें, एम्फीपैटिक की बात करें, ठीक है, तो इसमें एम्फी जो वर्ड होता है उसका मीनिंग क्या होता है आपका बोथ। बियंस का मतलब होता है आपकी हैबिट्स, कि ऐसे एनिमल्स जो आपकी बोथ हैबिटेट के अंदर सर्वाइव करे, लाइक एक्वेटिक हैबिटेट और टेरिस्ट्रियल, बोथ हैबिटेट में सर्वाइव करे, उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस बोलते हैं। तो एम्फीबियंस आपकी एक्वेटिक हैबिटेट में भी प्रेजेंट होते हैं और आपकी टेरिस्ट्रियल हैबिटेट में भी प्रेजेंट होते हैं। बट इसमें कंडीशंस क्या होती है कि अर्ली जो स्टेज होती है, दैट मीन्स लार्वल जो स्टेज होती है वो प्रेजेंट होती है वाटर के अंदर। अर्ली जो डेवलपमेंट होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, वाटर के अंदर। वाइल अडल्ट जो लाइफ होती है वो प्रेजेंट होती है आपके लैंड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई इनको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस बोलते हैं। इसके अलावा हमने फाइलम मोलस्कस पढ़ा है और फाइलम मोलस्कस में एक एग्जाम्पल है एक एनिमल का, डेट इज पाइला। और ये जो पाइला है ये भी कैसा होता है आपका, एम्फीबियस होता है। एम्फीबियस होता है, एम्फीबियस का मतलब क्या होता है, आपकी बोथ एक्वेटिक हैबिटेट में भी सर्वाइव करता है और आपकी टेरिस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर क्या करता है आपका, सर्वाइव करता है। ऐसे एनिमल जो आपकी बोथ हैबिटेट के अंदर सर्वाइव करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियस हैबिटेट बोलते हैं। और उन एनिमल्स को हम सेपरेटली एक क्लास के अंदर रखते हैं, दैट इज एम्फीबियंस। इसके अलावा अगर हम बॉडी डिविजन्स की बात करें तो इनकी जो बॉडी है वो आपकी डिवाइडेड होती है, दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड होती है, एक होता है आपका हेड और सेकेंड होता है आपका ट्रंक। इसके अलावा इनके अंदर हम लिम्स की बात करें तो क्या होते हैं आपकी, टू पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने टेट्रापॉड्स पढ़े, ठीक है। तो आपके एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और एव्स, ये आपके चारों, जैसे हमने ट्रिक बताई थी, परम ट्रिक बताई थी, तो परम ट्रिक में टी आपका पाइसिस था, आपके एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, ये आपके चारों किसके अंदर आते हैं, आपके टेट्रापॉड्स के अंदर आते हैं। दैट मीन्स सभी के अंदर क्या होंगे, आपके फोर लिम्स प्रेजेंट होंगे। तो इनके अंदर क्या होते हैं, टू पेयर्स ऑफ लिम्स, या तो हम फोर लिम्स बोलते हैं या फिर उनको हम पेयर्स की बात करें तो क्या होते हैं आपके, टू पेयर्स ऑफ क्या होते हैं आपके, लिम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम इनकी स्किन्स की बात करें, एम्फीबियंस के स्किन की बात करें, तो इनकी स्किन्स कैसे होते हैं आपकी, मोइस्ट स्किन होती है और इनकी स्किन के ऊपर कोई भी स्केल प्रेजेंट नहीं होते, विदाउट स्केल क्या होते हैं आपकी, स्किन होते हैं। क्योंकि अगर हम इनके अंदर रेस्पिरेशन की बात करें तो ये रेस्पिरेशन तीन वे से करते हैं, तीन आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, एक होते हैं आपके गिल्स, एक होते हैं आपके लंग्स और एक होते हैं आपके स्किन। तो तीन मोड से क्या करते हैं आपके रेस्पिरेशन हो करते हैं, एक जिससे स्किन से करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ऐसे एनिमल जो क्या करे, स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं तो उस टाइप को हम क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर जब वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो आपके लंग्स की हेल्प से होता है, और जब लैंड पे होते हैं तो मे बी आपका लंग से भी हो सकता है और आपके स्किन से भी हो सकता है। तो तीन टाइप के क्या होते हैं आपके ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं इनके रेस्पिरेशन में। तो आपकी स्किन क्या होगी, मॉइस्ट होगी, तभी वो क्या करेगी आपकी हेल्प करेगी गैसेज के एक्सचेंजमेंट में। दैट्स व्हाई इनकी जो स्किन होती है वो कैसे होती है आपकी, मॉइस्ट स्किन प्रेजेंट होती है। इसके अलावा आपने ईयर पढ़ा होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर, तो आपने देखा होगा कि जो ईयर होता है ये तीन पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है, एक होता है आपका आउटर ईयर, एक होता है आपका मिडल ईयर और एक होता है आपका इनर ईयर। तो अगर हम बात करें आपके एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस के अंदर क्या होता है आपका, इनर और मिडल ईयर क्या होता है आपका, प्रेजेंट होता है, वाइल आउटर जो ईयर है वो क्या होता है आपका, अब्सेंट होता है। दैट्स व्हाई अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारे एक्सटर्नल जो ईयर दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटर जो ईयर दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, पिन्ना बोलते हैं। तो ये जो पिन्ना है ये एम्फीबियंस के अंदर क्या होता है आपका, अब्सेंट होता है, वाइल जो टिम्पेनिक जो मेम्ब्रेन है, टिम्पेनम है, वो क्या होता है आपकी, प्रेजेंट होती है इन एम्फीबियंस के अंदर। रेप्टाइल्स के अंदर भी क्या होता है आपके ईयर्स प्रेजेंट होते हैं, टिम्पेनिया टिम्पेनम जो मेम्ब्रेन है वो आपकी प्रेजेंट होती है, बट आउटर जो आपका ईयर होता है वो क्या होता है आपका, बोथ एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में क्या होता है आपका, अब्सेंट होता है। इवन कुछ बर्ड्स के अंदर भी क्या होता है आपका, अब्सेंट होता है। आपने बर्ड्स के अंदर ईयर देखे है, आपने रेप्टाइल्स के अंदर भी नहीं देखे होंगे और आपने ना ही आपके एम्फीबियंस के अंदर देखे। तो एक्सटर्नल जो ईयर्स है वो आपके प्रेजेंट होते हैं क्लास मैमिलिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हम बात करें इनके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल होती है आपकी, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट है वो आपके ओपन होते हैं
एक कॉमन चैम्बर के अंदर होते हैं, और उस कॉमन चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, क्लोएका बोलते हैं। तो जो एम्फीबियंस है इनके अंदर क्या होता है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, एक्सिटरी ट्रैक्ट है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, ये तीनों ट्रैक्ट क्या होते हैं, एक कॉमन चैम्बर के अंदर अपन होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोएका बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें, आपका एक आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, दैट मींस एलिमेंट्री कैनाल है, और एक आपकी क्या है, आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट है, और एक आपका क्या है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है। तीनों क्या हो रहे हैं, एक चैम्बर के अंदर ओपन होते हैं, और इस चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, क्लोएका बोलते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, क्लोएका प्रेजेंट होता है। क्लोएका क्या होता है, कॉमन चैम्बर होता है, जिसके अंदर आपके ऑल थ्री एलिमेंट्री, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट क्या होते हैं, आपके ओपन होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इनके अंदर हार्ट की बात करें, तो एम्फीबियंस के अंदर जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, आपका थ्री चैम्बर हार्ट होता है, तीन चैम्बर हार्ट होते हैं, जिसमें से दो क्या होते हैं, आपके ओरिकल्स प्रेजेंट होता है, और एक क्या होता है, आपका वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। तो दो क्या होते हैं, आपके ओरिकल होते हैं, और एक क्या होता है, आपका वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है एम्फीबियंस के अंदर। इसके अलावा जो आपके एम्फीबियंस जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, दैट मींस पोइकिलो थर्मल एनिमल्स होते हैं। जैसे ही एनवायरमेंटल जो टेम्परेचर चेंज होता है, इनका बॉडी टेम्परेचर है वो भी क्या हो जाता है, आपका चेंज हो जाता है। इनका बॉडी टेम्परेचर जैसे एनवायरमेंटल टेम्परेचर चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, दैट्स व्हाई इनको हम क्या बोल रहे हैं, आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इसके अलावा सेक्स की बात करें, तो इनके अंदर जो सेक्स है वो कैसे होता है, आपके सेपरेटेड होता है, दैट मींस आपके कैसे एनिमल्स है, डायोसियस एनिमल्स है, आपका जो मेल इंडिविजुअल है और आपका जो फीमेल इंडिविजुअल्स है, दोनों क्या होंगे, आपके सेपरेट प्रेजेंट होंगे। जैसे अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, फ्रॉग की बात करें, तो जो फ्रॉग मेल है वो आपका अलग होगा, फीमेल जो फ्रॉग है वो आपका क्या होगा, सेपरेट होगा। तो इनके अंदर जो सेक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके सेपरेट प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन की बात करें, तो इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे अगर हम फ्रॉग की बात करें या फिर किसी भी एनिमल्स की बात करें, एम्फीबियन एनिमल्स की बात करें, सभी एम्फीबियन एनिमल्स के अंदर जो मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है, आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। दैट मींस मेल जो गैमेट है और फीमेल जो गैमेट है, दैट मींस स्पर्म और जो एग है, ये दोनों क्या होते हैं, आपके फ्यूज होते हैं आउटसाइड द फीमेल बॉडी। आपके आउटसाइड द फीमेल बॉडी कहाँ पे आपके फ्यूज होते हैं, वाटर के अंदर फ्यूज होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो ब्रीडिंग जो पीरियड होता है फ्रॉग्स के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर, वो कौन सा होता है, आपका रेनी डेज होता है। रेनी डेज के अंदर क्या करता है, आपके रिप्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि रेनी डेज के अंदर क्या होता है, आपका वाटर मोस्ट अबंडेंट होता है आपके अर्थ के ऊपर। इसके अलावा हम बात करें, आपके जो एम्फीबियंस है वो कैसे होते हैं, आपके ओवी पैरस एनिमल्स होते हैं, दैट मींस एनी एनिमल्स जो क्या करे, आपके एग ले करे, उनको हम क्या बोलते हैं, ओवी पैरस एनिमल्स बोलते हैं। वाइल सेकेंड एक टाइप और होता है, दैट इज वीवी पैरस, ऐसे एनिमल्स जो क्या करे, आपके यंग वंस को ले करे। जैसे अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें, सभी जो मैमल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ जो मैमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके वीवी पैरस होते हैं, बट ऑल एम्फीबियंस कैसे होते हैं, आपके ओवी पैरस होते हैं, सभी क्या करते हैं, आपके एग ले करते हैं। इसके अलावा मोड ऑफ डेवलपमेंट की बात करें, तो इनके अंदर जो मोड ऑफ जो डेवलपमेंट है वो कैसा होता है, आपका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। दैट मींस इनके अंदर क्या होती है, आपकी लार्वल स्टेज क्या होती है, आपकी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ऐसे एनिमल जिनके अंदर लार्वल स्टेज प्रेजेंट हो, उस टाइप ऑफ डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। और एम्फीबियंस के अंदर जो मोड ऑफ डेवलपमेंट होता है, दैट इज इनडायरेक्ट। जैसे आपने नेम सुना होगा, टैडपोल लार्वा का नाम सुना होगा, ठीक है। तो आपके जो फ्रॉग है, इनकी डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, आपकी एक लार्वल स्टेज प्रेजेंट होते हैं, उस लार्वा को हम क्या बोलते हैं, टैडपोल लार्वा बोलते हैं। दैट मींस इनके अंदर जो मोड ऑफ डेवलपमेंट है, दैट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जांपल की बात करें, तो आपके बफो, टोड, राणा फ्रॉग, आयला ट्री फ्रॉग, सेलामेंड्रा, सेलामेंडर और इसीथोपियस, ये क्या है, आपके एग्जाम्पल्स है आपके एनसीईआरटी के अंदर फाइलम एम्फीबियंस के, ठीक है। तो जैसे अगर हम मेनली अगर हम बात करें हिंदी में, आपके जो फ्रॉग्स है, बफो है, आपका हाइला है, इनको हम मेंढक बोलते हैं। इनकी डिफरेंट स्पीसीज है, टोड है, फ्रॉग है, हाइला फ्रॉग है। जैसे आपका अगर सुना हो आपने मेंढक नाम सुना हो या भुज नाम सुना हो आपने, आपकी जो बफो है ये क्या होती है, आपकी भुज होती है। इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है, एक तो साइज का डिफरेंस होता है। आपके जो राणा फ्रॉग होते हैं, इनका साइज स्मॉल होता है, वाइल बफो टोड की बात करें तो इनका साइज थोड़ा लार्ज होता है। इसके अलावा अगर हम लोकोमोशन की बात करें, तो आपका जो जंप होता है, आपके जंप करते हैं आपके फ्रॉग्स, तो
फ्लोट जो होता है, राणा जो होता है, इसके अंदर जो जंप होता है वो क्या होता है आपका स्मॉल जंप करते हैं, वाइल अगर हम टोड की बात करें तो इनके अंदर जो जंप होता है वो कैसा होता है आपका लार्ज जंप होता है। ठीक है, तो दो डिफरेंस से हम बता सकते हैं कि आपका यह टोड है या आपका राणा या फ्रॉग है, कॉमन फ्रॉग है, आपके एक तो साइज के बेसिस पे आपके टोड के अंदर लार्ज साइज होता है, दूसरा जंप भी कैसा होता है आपका लार्ज जंप करते हैं। तो इसमें मेनली आपको जो याद रखना है जो मल्टीपल स्टैंड पूछा गया है दैट इज इसीथोपस, ये आपके क्या होते हैं लिम्ब लेस एम्फीबियंस होते हैं। जैसे कि हमने बताया इनके अंदर क्या होते हैं फोर लिम्ब्स प्रेजेंट होते हैं सभी एम्फीबियंस के अंदर, बट आपके जो इसीथोपिस है इनके अंदर क्या होता है आपके जो लिम्ब है वो क्या होते हैं आपके अब्सेंट होते हैं, दैट्स व्हाई इन एम्फीबियंस को हम क्या बोलते हैं लिम्ब लेस एम्फीबियम बोलते हैं। तो आपको ये याद रहना चाहिए इसीथोपस आपके लिम्ब लेस क्या होते हैं आपके एम्फीबियंस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें आपके डायग्राम की बात करें जो आपके एनसीईआरटी के अंदर है, एक है आपका ए डायग्राम जो आपका सेलामेंडर का डायग्राम है सेलामेंड्रा, और जो बी डायग्राम है वो क्या है आपका राणा आपके फ्रॉग का डायग्राम है। इसके अलावा हम बात करें जो सेलामेंडर है इसके पास भी क्या होती है आपकी एबिलिटी होती है किसकी रीजनरेशन की एबिलिटी होती है। तो इसमें आपकी रिस्टोरेटिव रीजनरेशन की एबिलिटी नहीं होती बल्कि इनके अंदर क्या होती है आपकी रिपेरेटिव रीजनरेशन होती है। क्या होते हैं आपकी रिपेरेटिव रीजनरेशन होते हैं, रिपेरेटिव रीजनरेशन की भी जो एबिलिटी होती है वो प्रेजेंट होती है लिम्ब के पास। अगर इनके लिम्ब्स क्या हो जाए आपके किसी भी वे से आपके कट हो जाए एम्प्यूटेड हो जाए तो आफ्टर दी समटाइम्स ये जो लिम्ब्स है वो आपके फिर से रीजनरेट करके अपनी जो लेंथ है उसको फिर से क्या कर लेते हैं आपके डेवलप कर लेते हैं। तो आपके एम्फीबियंस की बात करें तो आपका सेलामेंडर के पास क्या होते हैं आपकी रिपेरेटिव रीजनरेशन होती है लिम्ब्स पार्ट के पास, इनके जो लिम्ब्स है उनके पास क्या होते हैं आपकी रिपेरेटिव रीजनरेशन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करें फाइलम रेप्टाइल्स की बात करें तो आपके जो रेप्टाइल्स जो आपके एनिमल्स है इनके अंदर जो लोकोमोशन होता है वो कैसा होता है क्रीपिंग लोकोमोशन होता है क्रेवलिंग लोकोमोशन होता है, दैट मीन्स ये आपके क्या करते हैं रेंग कर चलते हैं। ठीक है, इसके अलावा हैबिटेट की बात करें तो मोस्टली जो रेप्टाइल्स है वो कैसे होते हैं आपके टेरिस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वाइल स्किन की बात करें तो इनके अंदर क्या होता है आपके स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो स्क्यूट्स है स्केल्स है वो आपके प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा स्किन की बात करें तो इनकी जो स्किन्स है वो कैसी होती है ड्राई होती है, वाइल अभी हमने एम्फीबियंस पढ़ा था एम्फीबियंस के अंदर कैसी आपकी मोस्ट स्किन होती है तो उनके अंदर उल्टा होता है आपकी मोइस्ट स्किन होती है स्केल अब्सेंट होते हैं, वाइल रेप्टाइल्स के अंदर क्या होता है आपके स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और स्किन कैसे होती है आपकी ड्राई स्किन होती है। इसके अलावा ईयर की बात करें तो इनके अंदर भी आपका जो एक्सटर्नल ईयर है वो आपका अब्सेंट होता है, जो एक्सटर्नल ईयर के अंदर एक्सटर्नल जो पार्ट होता है वो आपका ओपन होता है टिम्पेनम रिप्रेजेंट करता है आपकी ओपनिंग ऑफ ईयर। तो जैसे अगर हम बात करें आपका एनिमल्स है तो इस एनिमल्स के अंदर जो ईयर की ओपनिंग है वो आपके टिम्पेनम रिप्रेजेंट करता है, आपको कोई एक्सटर्नल ईयर नहीं होता। जैसे अगर हम बात करें ये एक स्ट्रक्चर है तो इसमें जो पोर रिप्रेजेंट हो रहा है यही क्या करता है आपका ईयर का काम करता है। ठीक है, इसमें एक्सटर्नल जो ईयर होता है जैसे अगर हम पीना की बात करें तो वो क्या होता है आपका अब्सेंट होता है, टिम्पेनम क्या होता है रिप्रेजेंट करता है ईयर्स को। तो कई लोग कहते हैं एक मिथ होता है कि आपके जो स्नेक्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है आपके ईयर नहीं होते, उनके पास कान नहीं होते, वो सुन नहीं सकते, बट ये आपका मिथ है। उनके पास क्या होता है ईयर प्रेजेंट होते हैं बट एक्सटर्नल जो ईयर है वो आपके अब्सेंट होते हैं, इसलिए हम मानते हैं कि अगर आपका एक्सटर्नल ईयर दिखते तभी हम ईयर मानते हैं, बट उनके अंदर जो ईयर है वो आपका इंटरनल ईयर प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल जो पीना है वो आपका अब्सेंट होता है। क्योंकि जो पीना होता है इसका फंक्शन क्या होता है आपकी जो साउंड वेव है उसको कलेक्ट करने का काम होता है, ओनली साउंड वेव को कलेक्ट करता है। तो इस वजह से जो आपके रेप्टाइल्स है एव्स है और आपके एम्फीबियंस है इनके अंदर एक्सटर्नल जो ईयर है वो क्या होता है आपके अब्सेंट होता है। वाइल अगर हम लिम्स की बात करें तो इनके अंदर अगर प्रेजेंट होते हैं तो कैसे होता है आपके टू पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्रीपिंग लोकोमोशन होता है, दैट्स व्हाई अगर हम स्नेक्स की बात करें तो इनके अंदर आपके लिम्स आपके अब्सेंट होते हैं लिम्ब लेस होते हैं, बट अगर हम बात करें क्रोकोडाइल्स की बात करें कैमिलियन की बात करें चिलोन की बात करें तो इन सबके पास के आपके लिम्स प्रेजेंट है। अगर लिम्स प्रेजेंट होंगे तो कैसे होंगे आपके फोर लिम्स प्रेजेंट होंगे, दैट मीन्स टू लिम्स प्रेजेंट होंगे बिकॉज दे बिलोंग्स टू टेट्रापोड, या आपके टेट्रापोड क्या है उससे बिलोंग करते हैं। इसके अलावा हार्ट की बात करें तो इनके अंदर जो हार्ट है वो कैसा होता है आपका थ्री चैम्बर हार्ट होता है। देखो पहले आपके एम्फीबियंस थे उनमें भी क्या था आपका थ्री चैम्बर हार्ट था, बट अगर हम पाइसिस की बात करें अगर हम फिश की बात करें तो फिश के अंदर क्या था आपका
टू चैम्बर हर्ट होता है। वाइल्ड एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस में भी क्या होता है आपका थ्री चैम्बर हर्ट होता है। रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स में भी क्या होता है आपका थ्री चैम्बर हर्ट होता है, बट एक एक्सेप्शन होता है। क्या? आपके जो क्रोकोडाइल्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है आपका इनकम्प्लीट फोर चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं आपके इनकम्प्लीट फोर चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, और ये एक्सेप्शन होने के कारण मल्टीपल टाइम्स आपके एग्जाम्स में पूछा गया है कि विच एम्फीबिया विच रेप्टाइल्स हैव फोर चैम्बर हर्ट। ठीक है, इनकम्प्लीट फोर चैम्बर हर्ट, तो आपका आंसर होगा क्रोकोडाइल्स। ऑल रेप्टाइल्स के अंदर थ्री चैम्बर होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स। इसके अलावा अगर हम एव्स की बात करें, बर्ड्स की बात करें, एव्स दैट मींस बर्ड्स की बात करें, मैमल्स की बात करें, तो इनके अंदर क्या होता है मैमल्स के अंदर फोर चैम्बर क्या होता है आपका हर्ट प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हम बात करें ये कैसे होते हैं आपके पोइकिलोथर्मल एनिमल्स होते हैं, पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स होते हैं, दैट मींस कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। आपके जैसे ही एनवायरमेंट का टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा इनका बॉडी का टेम्परेचर भी क्या करेगा आपका फ्लक्चुएट करेगा। इसके अलावा आपके जो स्नेक होती है, लिजार्ड होती है, इनके अंदर जो स्केल्स होते हैं वो क्या करते हैं आपके स्किन कास्ट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं मोल्टिंग बोलते हैं। तो मोल्टिंग का मतलब क्या होता है ऐसे एनिमल जो क्या करे अपने स्किन को कास्ट करे, दैट मींस अपनी जो आउटर जो स्किन है उसको क्या करते हैं आपका रिलीज करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं मोल्टिंग बोलते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा सांप की अगर हम हिंदी में बात करें काचली, ठीक है, वो अपनी जो आउटर जो स्क्रीन है उसको क्या कर देता है कास्ट ऑफ कर देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं मोल्टिंग बोलते हैं। तो ये जो एबिलिटी होती है ये स्नेक्स के पास होती है और आपके लिजार्ड के पास होती है। इसके अलावा और भी एनिमल्स है जिनके पास होते हैं, डेट इज इंसेक्ट। आपके जो आर्थ्रोपोड के अंदर जो इंसेक्ट्स है इनके पास भी क्या होते हैं आपकी एबिलिटी होती है, किसकी मोल्टिंग की एबिलिटी होती है, अपनी स्किन को क्या कर सकते हैं कास्ट करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें डिफरेंट इंसेक्ट्स की तो मोस्ट ऑफ सभी इंसेक्ट के अंदर क्या होता है आपकी मोल्टिंग जो फिनोमेना आपका प्रेजेंट होता है, और ये जो मोल्टिंग होती है ये पीरियोडिकली होती है, दैट मींस कोई भी एक पीरियड होता है उसके बाद आपकी एवरी टाइम्स एवरी उस पीरियड के कंप्लीट होने के बाद वो अपनी स्किन को क्या करते हैं कास्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें इनके अंदर सेक्स की बात करें तो सेक्स कैसे होते हैं आपके सेपरेट होते हैं, दैट मींस कैसे होते हैं आपके डायोसियस एनिमल्स होते हैं, मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स क्या होते हैं आपके सेपरेट होते हैं। मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इनके अंदर क्या होता है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, दैट मींस गैमेट का जो फ्यूजन होता है इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है। वाइल अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट कैसे होती है आपकी डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, दैट मींस नो लार्वल स्टेज पर इनके अंदर जो लार्वल जो स्टेज है वो क्या होती है आपकी अब्सेंट होती है। इसके अलावा एनिमल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स कैसे होते हैं आपके ओवीपैरस होते हैं, ये भी क्या करते हैं आपके एग ले करते हैं, यंग वंस को ले नहीं करते। इसके अलावा एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स है चियोलोन जिसको हम कॉमनली टर्टल के नाम से जानते हैं, टेस्टिडो टोर्टोइज के नाम से जानते हैं, कैमिलियन कॉमनली एलिगेटर के नाम से जानते हैं, हेमिडेक्टाइलस आपकी जो वाल लिजार्ड है कॉमनली, पॉइजनस स्नेक की बात करें तो आपके नाजा नाजा जिसको हम कॉमनली कोबरा के नाम से जानते हैं, इसके अलावा आपके बैंगरस आपको कॉमनली क्रैक के नाम से जानते हैं, और वाइपर ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स है फाइलम आपके क्लास रेप्टिलिया की। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है। इसके अलावा आपके एनसीईआरटी के अंदर चार डायग्राम दिए हुए हैं, एक कैमिलियन का, एक आपका क्रोकोडाइल्स का, एक आपका चिलोन का और एक आपका नाचा का। ठीक है, एक चीज अगर आपको अगर हम की थंब बताऊं, अगर आप कोई भी एक स्नेक देखो और आपसे पूछा जाए आप डिटेक्ट करना चाहो आइडेंटिफाई करना चाहो कि आपका ये पॉइजनस स्नेक है या फिर आपका नॉन पॉइजनस है, तो इसका एक सिंगल फिनोमिना होता है ऐसे एनिमल्स ऐसे स्नेक्स जो क्या करे आपके हुड की फॉर्मेशन कर, जैसे हुड का मतलब होता है फन, जैसे आपका ये नाजा है, ठीक है, ये जो नाजा है क्या कर रहा है हुड की फॉर्मेशन कर रहा है, दैट मींस जो आपका खड़ा होता है जैसे इस तरीके की जो स्ट्रक्चर बनाते हैं क्वेश्चन मार्क जो स्ट्रक्चर बनाता है इसको हम बोलते हैं हुड बोलते हैं। तो आपके वो स्नेक जो क्या करे आपकी हुड की फॉर्मेशन करते हैं वो सभी कैसे होते हैं आपके पॉइजनस होते हैं, नॉन पॉइजनस स्नेक्स कभी भी ऐसे हुड नहीं बनाते। ठीक है, तो आपको अगर डिटेक्ट करना हो अपने लेवल के ऊपर तो आप देख सकते हो ऐसे एनिमल जिनके अंदर क्या हो रही है आपकी हुड की फॉर्मेशन होती है वो कैसे होता है आपके पॉइजनस होते हैं, और जो ऐसे हुड फॉर्म नहीं कर पाते वो आपके कैसे होते हैं नोइंग पॉइजनस होते हैं। तो एक कुछ जनरल बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए अगर आपको कहीं सांप मिल जाए बाय द वे तो आप देख सकते हो कि वो आपका पॉइजनस है या फिर आपका नॉन पॉइजनस है। नेक्स्ट जो क्लास है वो है आपकी एव्स जिनको हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं बर्ड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लास एव्स आपके बर्ड्स होते हैं। आपके जो बर्ड्स है मे बी आपके फ्लाइटलेस बर्ड हो सकते हैं,
और मे भी आपके क्या हो सकते हैं, फ्लाइट करते हैं। कॉमनली ब्लड क्या करते हैं, बर्ड जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं आपकी फ्लाइट करते हैं, बट कुछ जो बर्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं आपकी फ्लाइट लेस भी होते हैं। जैसे अगर हम ओस्ट्रीच की बात करें, शतुरमुर्ग की बात करें, तो आपकी फ्लाइट नहीं करते, तो इनके अंदर मॉडिफिकेशन होते हैं। जैसे अगर हम बात करें हम माइग्रेशन की बात करें, हम माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें फूड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हमारा जो टेम्परेचर है अगर सुटेबल ना हो तो हम एक जगह से दूसरी जगह क्या कर देते हैं, हम माइग्रेट कर जाते हैं। अगर हम बात करें आप जिस लोकेलिटी में रहते हो, अगर आपको वहीं पे जॉब मिल जाए तो आप कभी भी दूसरी स्टेट के अंदर आप या फिर दूसरी आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जॉब करने नहीं जाओगे, तो आप माइग्रेट कर रहे हो, क्यों, क्योंकि आपको फूड चाहिए या फिर एनवायरमेंटल कंडीशन सेम नहीं है। तो सेम इसी तरह से आपके जो बर्ड्स है वो भी क्या करते हैं, आपके माइग्रेशन शो करते हैं। और इन माइग्रेट होने के लिए क्या चाहिए, इन्हें लोकोमोटरी ऑर्गन चाहिए, और जो बर्ड्स हैं इनके अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं आपकी विंग्स होती है, और इन विंग्स की हेल्प से क्या करते हैं आपके माइग्रेट करते हैं। तो आपके जो ओस्ट्रिच है, फ्लाइटलेस जो बर्ड है, इनके अंदर क्या होता है एक मॉडिफिकेशन होता है। अगर लैंड के ऊपर क्या हो आपका प्लेंटी फूड प्रेजेंट हो, ठीक है, प्लेंटी फूड प्रेजेंट है तो आपका जो बर्ड्स है वो आपका कभी भी माइग्रेट नहीं करेगा, क्योंकि उसको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, आपका फूड चाहिए, और वो फूड आपको सर्वाइव मिल रहा है उस लोकेलिटी में, अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है, प्लेंटी फूड प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई वो क्या नहीं करता, आपके माइग्रेट नहीं करते। और आफ्टर दिस सम टाइम्स उनके जो विंग्स थे वो क्या हो गए, आपके रिड्यूस हो गए, वो आपके चेंज हो गए किसके अंदर, फ्लाइटलेस बर्ड के अंदर। ये आपके इवोल्यूशन में भी आता है, तभी आपने पढ़ा होगा, आपके जो फ्लाइटलेस बर्ड है उनके अंदर विंग्स एब्सेंट होते हैं या फिर रिड्यूस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जो आपके एनसीआरटी में, दैट इज ओस्ट्रिच। इसके अलावा हम स्वैन की बात करें, डक की बात करें, तो वो भी कैसे होते हैं आपके फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं, बट आपको एक एग्जाम्पल याद रखना है जो आपके एनसीआरटी में है, दैट इज ओस्ट्रिच। इसके अंदर क्या होता है आपकी जो विंग्स है वो आपके या तो एब्सेंट होंगे या रिड्यूस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होगा। रीजन क्या होता है कि आपके जिस एरिया के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं वहां पे प्लेंटी फूड प्रेजेंट होने के कारण जो विंग्स थे वो क्या हो गए आपके रिड्यूस हो गए अकॉर्डिंग टू ले मार्केट। इसके अलावा इनकी स्किन की बात करें तो बर्ड्स की जो स्किन होती है आपकी ड्राई होती है। इसके अलावा इनके अंदर कोई भी ऑयल ग्लैंड आपकी प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। इनके अंदर मेन क्या होता है आपकी बीक प्रेजेंट होती है, और बीक के अंदर क्या होता है आपके जो टिथ होते हैं वो क्या होते हैं आपके अब्सेंट होते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो टिथ है वो क्या होते हैं आपके अब्सेंट होते हैं, और ये जो टिथ है वो आपके चेंज हो जाते हैं किसके अंदर, बीक्स के अंदर क्या होते हैं आपके चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा दो आपके लिम्स होते हैं, एक आपके फोर लिम्स होते हैं, एक आपके हाइंड लिम्स होते हैं। तो बर्ड्स के अंदर जो फोर लिम्स है वो आपके मॉडिफाइड हो जाते हैं, किनके अंदर, विंग्स के अंदर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपके बर्ड्स है ये आपके कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। दो ही एनिमल्स है, दो ही क्लास है जो कैसे होते हैं आपके वार्म ब्लडेड होते हैं, एक है आपके बर्ड्स और एक है आपके मैमल्स, ठीक है। और चारों क्लासेज की बात करें तो इन चारों क्लासेज में बर्ड्स और जो मैमल्स है वो कैसे होते हैं आपके वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। दैट मीन्स अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या रखते हैं आपके कॉन्स्टेंट मेंटेन रखते हैं। अगर एनवायरमेंटल टेम्परेचर आपका चेंज हो, कुछ भी हो, आपका लो हो जी हाई हो, बट इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कैसा रहता है आपका, कॉन्स्टेंट रहता है। दैट्स व्हाई हम क्या बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स या फिर आपके एंडोथर्मिक एनिमल्स या फिर आपके होमियोथर्मिक एनिमल्स के नाम से जानते हैं। तो तीनों वर्ड आपको पता होना चाहिए, वार्म ब्लडेड, होमियोथर्मिक और आपके तीसरे आपके एंडोथर्मिक एनिमल्स। इसके अलावा रेस्पिरेशन की बात करें तो बर्ड्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है डेटी लंग्स, इनके अंदर लंग्स की हेल्प से क्या होता है आपका रेस्पिरेशन होता है। इसके अलावा जो सेक्स होते हैं वो आपके सेपरेट होते हैं, मेल बर्ड्स और फीमेल बर्ड आपके सेपरेट होते हैं। डिफरेंट आपके डायमॉर्फिक आपके सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं मेल और फीमेल बर्ड्स को क्या करते हैं आपके डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे अगर हम डी डायग्राम की बात करें तो आपका क्या है मेल पीकॉक है, ठीक है, आपका मेल पीकॉक है। और मेल पीकॉक के अंदर क्या होते हैं आपकी ये जो स्ट्रक्चर है आपका मोर ऑर्नामेंटल्स होता है, और जो फीमेल जो आपकी पीकॉक होती है वो आपकी लेस ऑर्नामेंटल होती है। तो ये जो सेक्सुअल ट्यूब है, जब आप इवोल्यूशन पढ़ते हो तो आपने देखा होगा सेक्सुअल ट्यूब आपके जहावी प्रिंसिपल के बारे में अपना पढ़ा होगा, तो उसके अंदर क्या होता है आपके जो मेल्स होते हैं वो आपके मोर ऑर्नामेंटल होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स, ताकि फीमेल जो आपके इंडिविजुअल्स है उसको क्या कर सके इंटरेक्ट कर सके। इसके अलावा डेवलपमेंट की बात करें तो इनके अंदर क्या होती है डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, डेट मीन्स नो लार्वल स्टेज, और आपके कैसे होते हैं ओवी पैरस एनिमल्स होते हैं, डेट मीन्स क्या करते हैं आपके एग ले करते हैं। तो आपके जो बर्ड्स है वो क्या करते हैं आपके एग ले करते हैं, और जो डेवलपमेंट होती है वो कैसे होते हैं आपकी डायरेक्ट होते हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल्स की बात करें तो कोर्वस आपका क्रो, कोलम्बा पाइजन, पिस्टिक्यूला पैरट,
स्टूर्थियो आपका ओस्ट्रिच, फैवो पीकॉक, एप्टेंडोडाइटस पेंगुइन और न्यूक्रॉन आपका जो वल्चर्स है, ये सब एग्जांपल्स है आपके बर्ड्स के आपके एनसीईआरटी के अंदर। चार डायग्राम दिए हुए आपके बर्ड्स के अंदर, एक है आपका वल्चर का, बी है ऑस्ट्रिच का, सी है पैरट का और डी है आपका पीकॉक का। ठीक है, तो आपके चार एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के अंदर क्लास बर्ड्स के। लास्ट क्लास है आपकी मैमल्स। तो मैमल्स की बात करें तो मैमल्स के अंदर हैबिटेट की बात करें तो इनके अंदर क्या होती है, वैरायटी जो है, वैरायटी ऑफ हैबिटेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दैट मींस आपके कुछ मैमल्स पोलराइज कैप्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कुछ डेजर्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कुछ माउंटेन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कुछ फॉरेस्ट के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, ग्रास लैंड के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, इवन जो डार्क जो केव्स होते हैं, गुफा होते हैं, उनके अंदर भी क्या होते हैं आपके मैमल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम बैट की बात करें तो इनके अंदर जो हैबिट है, वैरायटी ऑफ हैबिटेट है आपके, डिफरेंट वैरायटी ऑफ हैबिटेट के अंदर क्या करते हैं आपके, सर्वाइव करते हैं। बट अगर हम मेन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इनके अंदर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, सभी जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं आपकी मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, और ये जो मेमरी ग्लैंड है वो क्या करते हैं आपकी मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो मिल्क है वो क्या करता है यंग जो वंस होते हैं उनको क्या करता है आपका नरिशमेंट करने का काम करता है। ठीक है, यंग वंस को क्या करता है आपका नरिशमेंट करने का काम करता है, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ओल्ड जो मैमल्स होते हैं उनकी बॉडी पे क्या होंगे आपके बॉडी हेयर प्रेजेंट होंगे। तो अगर कोई भी आपको एनिमल्स मिले उसके एनिमल्स के बॉडी के ऊपर आपको हेयर्स मिले तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि ये जो एनिमल्स है आपके क्लास मैमल से क्या करता है आपका बिलोंग्स करता है। ठीक है, तो दो कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, एक आपकी मेमोरी ग्लैंड और सेकंड आपके बॉडी हेयर के बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंक्ट कर सकते हैं कि ये जो एनिमल्स है आपका मैमल्स है या फिर अदर क्लास का एनिमल्स है। इसके अलावा इनके अंदर क्या होते हैं आपके टू पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि हमने बताया आपके टेट्राबोर्ड से बिलोंग करते हैं तो क्या होंगे आपके टू पेयर्स ऑफ लिम्स होंगे, बट इनके अंदर जो लिम्स है वो आपके अडप्टेड होते हैं। कुछ मैमल्स के अंदर क्या करते हैं वॉकिंग का काम करते हैं, जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें कुछ में आपका रनिंग का काम करता है, कुछ में क्लाइंबिंग के काम करता है, कुछ में ब्यूरोविंग का काम करता है, कुछ एनिमल्स के अंदर स्विमिंग का काम करता है, कुछ के अंदर क्या करता है आपका फ्लाइंग का काम करता है। तो है तो एक ही मैमल्स बट इनके जो लिम्स है वो आपके डिफरेंट फंक्शंस के लिए क्या होते हैं आपके यूज होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं अडप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। आपने इवोल्यूशन के अंदर पढ़ा होगा अडप्टिव रेडिएशन। तो आपका है तो एक ही ऑर्गन्स लिम्स बट फंक्शंस क्या कर रहा है डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। जैसे उस नेचर के अंदर प्रेजेंट है उसके अंदर जो लिम्स है वो आपके मॉडिफाइड हो जाते हैं, अडप्टेड होते हैं उस टाइप के आपके लोकोमोशन के लिए। जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर वॉकिंग होता है, हॉर्स की बात करें तो रनिंग के लिए होता है। ठीक है, इसके अलावा बैट की बात करें तो क्लाइंबिंग के लिए होता है। ठीक है, अदर मैमल्स की बात करें तो ब्यूरिंग के लिए होता है, सील की बात करें या वेल की बात करें तो आपके स्विमिंग के लिए होता है। ठीक है, तो आपके बर्ड्स बैट्स के अंदर फ्लाइंग के लिए भी होता है, क्लाइंबिंग के लिए भी होता है। ठीक है, तो आपके जो लिम्स है ये डिफरेंट मैमल्स के अंदर डिफरेंट अडॉप्शन क्या करते हैं आपके शो करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इनके अंदर ईयर कैसा होता है आपका एक्सटर्नल ईयर्स होता है। सभी आप देख सकते हो जब भी आपके मैमल्स होंगे सभी के अंदर क्या होंगे आपके एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट होंगे, और एक्सटर्नल ईयर को हम क्या बोलते हैं पीना बोलते हैं। इसके अलावा हार्ट की बात करें तो कैसा होता है आपका फोर चैम्बर हार्ट होता है, दो आपके ओरिकल्स होते हैं और दो क्या होते हैं आपके वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अपर जो होते हैं वो आपके ओरिकल्स होते हैं, स्मॉल होते हैं, लोअर जो आपके लार्ज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं वेंट्रिकल होते हैं। तो दो ओरिकल होते हैं और दो क्या होते हैं आपके वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा रेस्पिरेशन होता है विद द हेल्प ऑफ लंग्स के हेल्प से रेस्पिरेशन होता है। सेक्स जो होते हैं वो आपके सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होते हैं और मोस्टली कैसे होते हैं आपके विविपैरल्स होते हैं, और कैसे होते हैं आपके होमियोथर्मल एनिमल्स होते हैं। डेट मीन्स इनका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है आपका कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, तो ये थे आपकी क्लास मैमल्स। सेम